भाई 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 आराम से, ये तो मुझे लग रहा है भाग के जो ना दौड़ के जल्दी दुबई पहुंच जाएगा जहाज को छोड़ के। अभी बोर्डिंग नहीं खुली, पहले जा रहा है ये बंदा। समझ नहीं आया, कॉल कर लेना वापस ले कोई और जहाज कर लेंगे, टेंशन की बात नहीं है। सही है, ओके। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज हम जा रहे हैं जरगाम को ड्रॉप करने। जरगाम कहाँ गया? चुप गया भाई। जरगाम शर्मा है। उसामा जल्दी से पहुंचाओ हमें, हम लेट हो गए हैं। उसामा के चक्कर में थोड़े से लेट हो गए। जरगाम टेंशन में, मतलब ये है कि इसकी ब्लड प्रेशर लो ना हो जाए। पहले भी इसकी फ्लाइट मिस हो गई थी ना भाई। पहले इसके साथ जो है ना बहुत बुरा सीन हुआ है। वो सीन ये हुआ है, हमारा काफी दिनों से मेहमान था, बहुत अच्छा टाइम गुजर रहा था। सीन ये हुआ था भाई के साथ के भाई ने गाँव से इस्लामाबाद से फ्लाइट करवाई कराची की। वो थी कोई 10 बजे से 12 बजे की, और 12 बजे यहाँ पे बंदा हमारा लैंड हो गया। और 12:30 यहाँ से कराची की दुबई की टिकट थी, और यहाँ पे बोर्डिंग वगैरह क्लोज हो गई और जरगाम भाई बेचारे ख्वार हो गए। दुबई एयरपोर्ट से इंटर होना, सबसे पहले सजदा करना है। सही है, अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि आप ऐसी सरजमीन में पाक साफ उतर रहे हो। नहीं भाई बिल्कुल। और उसके बाद से ना तौबा कर लेनी है, बस शुक्र अदा करना है। लेकिन दुबई में जो है ना खुद को बहुत तरीके से सिर्फ काम पे फोकस रखना है, इधर उधर जो है ना जरगाम घूमना फिरना नहीं है। जरगाम काम ही इसी से जा रहे हैं कि इधर उधर ही फोकस करने में। फाइनली भाई पहुंच चुका है जरगाम एयरपोर्ट पे। उसामा कितनी टेंशन में लग रहा है यार, ये नाश्ता भी नहीं करने दिया, नाश्ता नहीं करने दिया। चलो 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 भाई, अभी टाइम है फ्लाइट में, अभी बोर्डिंग में टाइम है, लेकिन जरगाम को हम 2 घंटे पहले ले आए। चलो यार इसकी तसल्ली के लिए, क्योंकि पहले हमारी फ्लाइट मिस हो चुकी थी। अच्छा बैग भी किसी को नहीं पकड़ने दे रहा, कहीं बैग ना कोई आगे पीछे कर दे। अभी पकड़ा है। भाई 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 आराम से, ये तो मुझे लग रहा है भाग के जो ना दौड़ के जल्दी दुबई पहुंच जाएगा जहाज को छोड़ के। जरगाम चीजें सारी ले ली हैं, पासपोर्ट वगैरह सारी चीजें। तो भाई अभी जो है ना हमने एक दो छोटे काम करने, बस करेंसी एक्सचेंज करवानी है, वो जाके देखते हैं, और बाकी तो बोर्डिंग अभी स्टार्ट होगी तो फिर देखते हैं इंशाल्लाह। भाई जरगाम इतनी जल्दी में, मुझे लग रहा है इंटरनेशनल के बजाय डोमेस्टिक में ना चला जाए। जरगाम ओए बैग, ओए हाँ ये बात तो है। जरगाम भी कैसा फील हो रहा है हमें छोड़ के आप जा रहे हो, अकेला करके जा रहे हो। हाँ कुछ बोलें, कुछ तो बोलो जरगाम। भाई जरगाम की फ्लाइट का पता कर ली है, वो अभी जो है ना 6:10 पे डिले नहीं है, 6:10 पे जो है ना फ्लाइट जाएगी और बोर्डिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई। तो हम जब तक जो है ना करेंसी एक्सचेंज करवा लें यहाँ से। अरे पैसे एक्सचेंज नहीं करवाओ, 500 नहीं ले रहे, अभी पास रखो। रुपए भी नहीं छोड़ के जा रहा दरगाह में, कह रहे 100 भी करवाओ। पाकिस्तान की कुछ तो निशानी रखो, ऐसे आप जाओगे गलत बात है फिर। जरगाम भाई ये वाला बैग बिल्कुल संभाल के रखना, इसमें पैसे भी हैं, पासपोर्ट भी है, सारी चीजें हैं। ऐसा ना हो एयरपोर्ट के बजाय जो है ना हम कनवाल की एक बस करवा रहे हो दोबारा जरगाम को वहाँ भेजने के लिए। चलो यार यहाँ पे थोड़ा जो ना जब तक फ्लाइट में टाइम है इधर थोड़ा कुछ मिनट रह गए हैं बस, टेंशन नहीं लो, बोर्डिंग खुलने वाली है भाई, बोर्डिंग खुलने वाली है। जरगाम ने जो है ना रिपोर्ट भाई मेरे चैनल को रिपोर्ट मारेगा, मेरे चैनल में है क्या, तो रिपोर्ट भी मार दे, खैर होगी। जरगाम भाई रुक जाओ, बोर्डिंग तो खुलने दो भाई, बोर्डिंग खुलने दो। ठीक है भाई, टेंशन परेशानी दे। ओके जरगाम भाई अल्लाह हाफिज़, सही है, खैरियत से अल्लाह पाक ले जाए। कोई टेंशन परेशानी हो तो बता देना भाई जल्दी से, अभी बोर्डिंग नहीं खुली, पहले जा रहा है ये बंदा। समझ नहीं आया, कॉल कर लेना वापस ले कोई और जांच कर लेंगे, टेंशन की बात नहीं है। सही है, ओके। खिड़की नहीं खोलना जहाज की। अभी हम जरगाम को ड्रॉप करके अपने कामों से जाएंगे। उसामा उदास हो गया बिल्कुल, जो ना जरगाम की याद में आंखें रेड हो गई हैं भाई इसकी। तो भाई अभी हम लोग जो है निकलेंगे यहाँ से अपने कामों से।